जय बद्री विशाल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साजिद और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल साजिदों का ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आपको दर्शन करवाएंगे श्री बद्रीनाथ जी के। तो वीडियो में अंत तक बने रहना हमारे साथ। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये लुक कैसा लग रहा है बताना। तो चलते आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। और जितने भी पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं और इंडियन मिलिट्री जितने भी जवान हैं, उनके लिए हमारी तरफ से एक सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। हम लोग पहुंचे हैं हनुमान मंदिर में, दर्शन करते हैं और बाद में आप लोगों से मिलते हैं। लोग हैं इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस में, यहाँ पर ज़्यादा शूटिंग भी अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ पर पीछे आप लोग नदी देख पा रहे हैं, ये अलकनंदा नदी। और अभी हम लोग पहुँचे हैं हनुमान मंदिर में और अभी हम लोग जाएंगे श्री बद्रीनाथ धाम। जय बद्री विशाल। और आप लोगों से बाद में मिलते हैं। I'm
तो अभी हम लोग पहुंचे हैं श्री बद्रीनाथ धाम, तो चलते हैं। तो चलो हम लोग दर्शन करते हैं और आप लोग भी दर्शन कर लेना। तो चलते हैं, जय बद्री विशाल। ये है तप्त कुंड और यहाँ पर गर्म पानी आता है। कहाँ से गर्म पानी आता है, या इसका सोर्स क्या है, किसी को पता नहीं है। और कहते हैं कि यहाँ पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं।
आपको क्यों बद्रीनाथ कहा जाता है, इनके बारे में बद्रीनाथ की कुछ कहानियाँ हैं, कुछ भूल चुकी हुई तो माफ़ कर। कहा जाता है कि नारद जी ने 6000 वर्षों तक वायु का सेवन करके यहाँ पर तपस्या की थी, देव ऋषि नारद। और यहाँ पर मतलब बहुत सारे बद्री के पेड़ थे, मतलब बेर के पेड़ यहाँ पर बहुत सारे थे। और यहाँ पर पहले थे विराजमान थे शिवजी और उनकी पत्नी पार्वती मैया के साथ, यहाँ पर रहते थे शिवजी, महादेव जी यहाँ पर रहते थे। और एक बार क्या हुआ था कि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं कि आप हमेशा शेषनाग की सैया के ऊपर विश्राम करते हैं, आप भी तो कोई स्पेशल कीजिए। मतलब उन्हें लगता है कि उनको भी कुछ अलग करना चाहिए। तो विष्णु जी एक बच्चे बाल रूप बच्चे का रूप लेकर पार्वती मैया के पास और कहते हैं कि हमें ये स्थान यहाँ पर रहने के लिए दे दो। मतलब ये सही बात लगती है। जब वो जाते हैं पार्वती मैया के पास तो पार्वती मैया कहती है कि शिवजी से पूछती है कि इतने बालक को यहाँ पर रुकना है। और शिवजी थे शिवजी को पता था कि ये विष्णु जी है जो बाल रूप में यहाँ पर पार्वती मैया से पूछ रहे हैं। तो शिवजी बिना कुछ कहे उन्हें ये जगह यहाँ पर तपस्या करने के लिए दे देते हैं। और यहाँ पर ये स्थान महादेव जी उन्हें दे देते हैं और महादेव जी चले जाते हैं केदारनाथ धाम। और यहाँ पर रह जाते हैं विष्णु जी इस स्थान को पसंद कर लेते हैं और इस स्थान पर वो तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद वो जो नाथ थे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बद्री के भेड़ थे इसलिए वो कहलाते हैं बद्री के नाथ, बद्रीनाथ। कुछ नहीं, इतना ही था हमारे इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये वीडियो देख रहे हो, जा रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कुछ नहीं, कमेंट में पूछ सकते हो कुछ भी पूछना चाहते हो तो। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्द से जल्द जाके हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर देना। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय।